मैम लेकिन आपने जैसे कि वीवो स्टार जब था बीच में जब एंड में आपने कहा था कि दीपिका ही जीतेगी और वही हुआ लास्ट मिनट में जो हमने जो हां तो इसके पीछे क्या आप सच में फिक्स रहता है नहीं क्योंकि फिक्स काफी लोग बाद में भी ऑब्जेक्शन उठाए और काफी ट्रोल भी हुई दीपिका आपके इस बयान से बाद में जी क्या कहना चाहेंगे दीपिका से पूछा भी गया दीपिका ने कहा मुझे इस बारे में कुछ बोलना नहीं है यार मैं तो यही बोलूँगी कि फिक्स चीज़ कभी बोली नहीं जाती कि मैं फिक्स्ड हूँ तो देखो यार मतलब वो रोना और लोगों के सामने बहुत अच्छा बनना ये सब चीज़ें जो होती है ना वो थोड़ी सी एक्चुअली हमारी जो पब्लिक है वो भी इस इन सब चीज़ों पे बड़ा गौर करती है कि कौन बेबस है कौन लाचार है तो उसे ही जिता दो तो वो मुझे थोड़ा लग रहा था दिमाग के अंदर बिकॉज़ क्लियरली कहा था कि ये फिक्स है ये बिग बॉस ये फिक्स होता है सिर्फ जो मैं खेली तो वो फिक्स नहीं था बाकी सब फिक्स है सी इस बारे में क्या कहना है मैं क्लियरली हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि अगर हमारा सीजन देखा जाए तो शिल्पा को मेरे हिसाब से अगर शिल्पा को मेरे हिसाब से वो लोग विनर नहीं बनाते उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे अगर वो अंदर से करना चाहते तो मैंने हमेशा यही बोला है कि शिल्पा को जनता ने विनर बनाया है बिकॉज हाँ जनता ने बनाया है क्योंकि पब्लिक ने उसके लिए इतना ट्रेंड चलाया इतने ट्विटर्स पे थे उसके और इतने चाहने वाले थे उसका जो भाभी जी कैरेक्टर था मैं भी बहुत बार ये चीज़ बोली हूँ कि जब मैं बिग बॉस में गई थी तो मुझे नहीं पता था कौन सेलिब्रिटी है मुझे नहीं पता था विकास गुप्ता सेलिब्रिटी आई डोंट नो मुझे नहीं पता था हिना कौन है प्रियांक कौन है मैं नहीं जानती थी लेकिन मैं शिल्पा को जानती थी और हितेन तेजवानी को तो उनके इतने सारे फैंस थे और उन्होंने देखा और मेरे हिसाब से अगर अंदर का होता तो शायद शिल्पा शिंदे उस टाइम विनर नहीं होती हैप्पी न्यू ईयर की शुरुआत हो चुकी सो मकर संक्रांति आने वाला क्या कुछ प्लान्स है आपके क्या कुछ मकर संक्रांति मेरे लिए मैंने जैसा अभी इंटरव्यू में बोला है कि मैं थोड़ी कंफ्यूज रहती थी बचपन में कि मकर संक्रांति और शब-ए-राह सेम है तो मैं सोचती थी जो हिंदू रिलीजन है वो लड्डू बनाते हैं और जो मुस्लिम है वो मिठाई या फिर हलवे बनाते हैं तो अभी मुझे पता चलता है कि नहीं 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 ये सब अलग है और इस पर पतंग उड़ाई जाती है और बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है इन हिंदू रिलीजन में इवन इन मुस्लिम आल्सो बहुत सेलिब्रेट करते हैं मैं भी सेलिब्रेट करती हूँ तो देखेंगे मनाएंगे तो क्या कुछ प्लान्स होते हैं कुछ खाने में मतलब क्या कुछ होता है उसके बारे में मैं ज़्यादा फूडी नहीं हूँ लेकिन जब दिल चाहता है तो बहुत खाना खाती हूँ कभी कभार मतलब मंथ में एक दो बार अच्छे से खाना खा लेती हूँ उस बार मैं सोचती नहीं हूँ कि कितना खा लिया क्या कर लिया क्योंकि वो मैं नेक्स्ट डे कवर अप कर लेती हूँ तो देखेंगे अच्छा ही खाना बहुत लड्डू तो ज़रूर खाऊँगी मैं कोई फेस्टिवल या कोई त्यौहार आता है तो आपके लिए कितने मायने रखता है आप कितना उसे एंजॉय करती हैं मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ वो किसी भी रिलीजन का हो मुझे बड़ा मज़ा आता है चाहे दिवाली हो होली हो और ईद तो मेरा फेवरेट है तो मैं बहुत अच्छे से इन्जॉय करती हूँ सो अगर बात की जाए बिग बॉस की बिग बॉस में दीपिका जीत कर आई है कितनी सेटिस्फाइंग है इस डिसीजन से सी सीरियसली मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ बिकॉज मैं उस घर में रही हूँ और मुझे पता है कि कंटेस्टेंट कैसे होते हैं और वो खेल कैसा होता है और वो इतनी सीनियर थी लेकिन उन्होंने वो चाम एक जो होना चाहिए था वो नहीं छोड़ा और मेरे हिसाब से तो डिज़र्विंग नहीं था मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो रोमिल ज़्यादा डिज़र्विंग था सुरभि राणा भी डिज़र्विंग थी दीपक ठाकुर था इवन श्रीशांत तो था ही वीवो स्टार जब था बीच में जब एंड में आपने कहा था कि दीपिका ही जीतेगी और वही हुआ लास्ट मिनट में जो हमने जो तो इसके पीछे क्या आप सच में फिक्स रहता है नहीं क्योंकि काफी लोग बाद में भी ऑब्जेक्शन उठाए और काफी ट्रोल भी हुई दीपिका आपके इस बयान से बाद में जी क्या कहना चाहेंगे दीपिका से पूछा भी गया दीपिका ने कहा मुझे इस बारे में कुछ बोलना नहीं है यार मैं तो यही बोलूँगी कि फिक्स चीज़ कभी बोली नहीं जाती कि मैं फिक्स्ड हूँ तो देखो यार मतलब वो रोना और लोगों के सामने बहुत अच्छा बनना ये सब चीज़ें जो होती है ना वो थोड़ी सी एक्चुअली हमारी जो पब्लिक है वो भी इस इन सब चीज़ों पे बड़ा गौर करती है कि कौन बेबस है कौन लाचार है तो उसे ही जिता दो तो वो मुझे थोड़ा लग रहा था दिमाग के अंदर बिकॉज़ क्लियरली कहा था कि ये फिक्स है ये बिग बॉस ये फिक्स होता है सिर्फ जो मैं खेली तो वो फिक्स नहीं था बाकी सब फिक्स है सी इस बारे में क्या कहना है मैं क्लियरली हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि अगर हमारा सीजन देखा जाए तो शिल्पा को मेरे हिसाब से अगर
शिल्पा को मेरे हिसाब से वो लोग विनर नहीं बनाते, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे अगर वो अंदर से करना चाहते, तो मैंने हमेशा यही बोला है कि शिल्पा को जनता ने विनर बनाया है, बिकॉज हाँ जनता ने बनाया है, क्योंकि पब्लिक ने उसके लिए इतना ट्रेंड चलाया, इतने ट्विटर्स पे थे उसके और इतने चाहने वाले थे उसका जो भाभी जी कैरेक्टर था। मैं भी बहुत बार ये चीज़ बोली हूँ कि जब मैं बिग बॉस में गई थी तो मुझे नहीं पता था कौन सेलिब्रिटी है, मुझे यही मुझे नहीं पता था विकास गुप्ता सेलिब्रिटी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था हिना कौन है, प्रियांक कौन है, मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं शिल्पा को जानती थी और हितेन तेजवानी को, तो उनके इतने सारे फैंस थे और उन्होंने देखा, और मेरे हिसाब से अगर अंदर का होता तो शायद शिल्पा शिंदे उस टाइम विनर नहीं होती। ये तो हो गई बिग बॉस की बात, अगर आपकी आप जैसे हमें आपने बताया कि आपको एक्टिंग में भी वो है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिग बॉस से निकल के बहुत सारे कैमियो की हूँ, कलर्स पे की हूँ, कलर का एक शो की हूँ, नेगेटिव रोल की हूँ, अभी भी बहुत सारे सीरियल्स के ऑफर है, लेट्स सी, एक्टिंग तो करना ही पड़ेगी ना, बिना एक्टिंग के इवेंट से थोड़ी खाएंगे। खतरों खिलाड़ी की बात करें तो फिर आपने जो बयान दिया था कि विकास गुप्ता की वजह से आप नहीं जा पाए, कितना, लेकिन विकास गुप्ता ने इसे नकारा है, इसको क्या कहना है? यार विकास गुप्ता के बारे में हम बात ही ना करें तो बेस्ट है, बिकॉज़ वो बिल्कुल यूज़लेस है, उसके बारे में बात करना मतलब अपना दिमाग ख़राब करना, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ भी बोलेंगे वो तो बोलेगा नहीं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, वो अच्छी चीज़ों में पॉजिटिव एनर्जी क्यों नहीं डालती हैं, वो पॉजिटिव चीज़ों में क्यों नहीं डालती हैं, आपने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि उन्हें अवार्ड कितने मिले, ऐसे ऐसे बात करने लगेगा, तो लीव इट, उसको छोड़ो अभी। नो आई डोंट नो, दानिश जहन का मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं है, मैंने कुछ दानिश जहन का ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, मैंने सिर्फ ये बोला था कि दानिश जहन के लिए जो शिल्पा ने ट्वीट किया था उसको मैंने रीट्वीट किया था, दैट्स इट, मैं दानिश जहन को भी नहीं जानती थी, मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज देखी, स्क्रॉल कर रही थी तो एकदम से वो सामने आया, तो मैंने कहा ये कौन बंदा है, तब जाकर मुझे पता चला कि वो उसका शो था ना, कौन सा एस ऑफ स्पेस, तो उसने आया था। अच्छा, अगर इन फ्यूचर आपको खतरों के खिलाड़ी में जाने का मौका मिले तो जाना चाहेंगे? क्योंकि विकास गुप्ता ने क्लियर कहा कि शायद उन्हें चांस ही नहीं मिला था, आप सेलेक्ट ही नहीं हुई थी, इस तरह की बातें कर रहे थे। विकास गुप्ता भी तो सिलेक्ट नहीं हुआ था, एकदम से कैसे चला गया, विकास गुप्ता की तो न्यूज़ में ही नहीं था कि विकास गुप्ता जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। खैर सी, एक ही शो थोड़ी है खतरों के खिलाड़ी या फिर बिग बॉस, बहुत सारे शोज़ हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, और ऊपर वाले ने अगर आपकी किस्मत में काम लिखा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कलर्स पर ही काम करेंगे, बहुत सारे चैनल्स हैं काम देने के लिए। मेरे अभी मैंने अभी नेगेटिव रोल कंप्लीट किया सावित्री देवी का, अभी मेरे पास 3-4 सीरियल्स के हैं, अच्छे बड़े बड़े सीरियल्स हैं, लेट्स सी, बट आई वांट टू गो इन मूवीज़, क्योंकि उसमें थोड़े दिन का शूट रहता है, उसके बाद प्रमोशन करो, आराम से बैठो, सीरियल में 12-12 घंटे लगातार लगे रहना पड़ता है। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड में सॉफ्ट टारगेट कर रहे हैं एक्टर्स को, इसका क्या कहना है? जैसे नसरुद्दीन शाह का जो विवाद हुआ है रिसेंटली, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं हमेशा से यही चीज़ बोली हूँ कि एज ए मुस्लिम मतलब अगर कोई ऐसी बात बोलता है तो बड़ी गलत है, बिकॉज हमारे अब्बा जान तो हमेशा यही बोलते हैं कि इंडिया में हम लोग ज़्यादा सेफ हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, बिकॉज मैंने तो बचपन से हमेशा यही देखा कि हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुस्लिम है इंडिया में रह रहा है, ऐसा नहीं है, हमें वही चीज़ मिली है जो एक हिंदू को मिली हो चाहे एक क्रिश्चियन को मिली हो, और हम मैं ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर हिंदू लोग ज़्यादा रहते थे और हम लोग सब मुस्लिम सब मिलके उनके साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, तो सो आई डोंट नो कि हिंदू मुस्लिम या फिर इंडिया के अंदर नहीं है, बिकॉज मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मसला था, अभी जानना स्टार्ट किया 4-5 साल पहले, पहले तो मैं पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया करती थी, तो आई डोंट नो। तो फेवरेट प्लेयर मेरा भूल गई मैं तो मेरे हिसाब से मैं तो सेफ हूँ। मैं तो बहुत सारे प्लेयर्स को करती हूँ, फॉर एग्जांपल श्रीशांत को किया मैंने इतना सपोर्ट। सो लास्टली क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने फैंस को, कुछ पूछना पूछना? इसके अलावा मैम, और जो रिसेंटली मूवी आई है अभी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, काफी विवादों में वो फिल्म भी, इसके लिए क्या कहना है आपको कि इन सब चीजें जैसे सेंसर बोर्ड क्लियर हो चुका है तो फिर पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, और दूसरी तरफ बाला साहब ठाकरे की फिल्म है,
वो बोलते हैं हम सेंसर में डालेंगे नहीं, डायरेक्ट रिलीज करेंगे, तो इन दोनों फिल्मों के लिए क्या ओपिनियन है आपके? मुझे नहीं पता कौन सी मूवी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, आई डोंट नो। अनुपम खेर की फिल्म है ये मैम, मैं तो फिलहाल इन सब चीज़ों ये जब चीज़ें नहीं पता तो उसके ऊपर कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अगर उसके बारे में थोड़ा सा भी मुझे जड़ पता होती कि हाँ ऐसा है तो फिर मैं जवाब दे सकती थी। अच्छा, इसके अलावा अगर मकर संक्रांति आपको मनाना हो तो किस सेलिब्रिटी के साथ मनाना चाहेंगे आप? सलमान के साथ और किसके साथ, वही सबसे बेस्ट है हमारे लिए। चैलेंज भी किया हुआ है थोड़ा, ऑब्वियसली सलमान के साथ पतंग उड़ाना तो मतलब मजा आ जाएगा, मतलब पतंग को भी मजा आएगा कि हमारी डोरी कौन पकड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच मेरी आवाम को जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है, इतना ज़्यादा प्यार करती है, और मैं ऐसे ही आप लोगों को इंटरटेन करती रहूँगी। Done, guys. Thank you. It's different. That is different. This is Teletrans. All are different.